हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे DSSB का जो TGT वाला जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 सितंबर को, मेल वाला, उसके बारे में, जो कि TGT SSD का है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, और सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है तो इस वजह से बच्चे काफ़ी नर्वस हो चुके हैं, क्योंकि टाइम उनके पास है नहीं। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो कि थोड़ा जल्दी शॉर्ट में चीज़ें रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपके लिए, इसे न्यूज़पेपर टाइप का कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं मार्केट में गई थी, तो मैं लेके परचेज़ भी करके लाई हूँ खासकर SSD वाले के लिए। तो ये एक महेश कुमार बनवाल सर का एक न्यूज़पेपर टाइप में कुछ निकला है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि ये मेरे पास विश्व गोल का है। ठीक है, इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें एक साथ दे रखी हैं। दूसरी चीज़, बहुत जल्दी आप शॉर्ट नोट्स, मतलब अपना एक रिवीजन कर सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। ये आपके लिए, मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा क्विक रिवीजन के लिए। और ये बेस्ट इसलिए भी मैं इसे ये कह सकती हूँ, देखिए आप इसे देख लीजिए। ठीक है, इसे क्विक रिवीजन के लिए मैं इसे बेस्ट इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इसमें है ना ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर किया हुआ है। और आप जानते ही हो कि DSSB कितना वर्स्ट, मतलब कितना अच्छा खासा एरिया कवर करता है, तो आपको कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ जाए। तो जस्ट एक रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आप ये नोट परचेस कर सकते हो। और इसका जो रेट है वो 50 रुपीज़ है शायद अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो या ना हो, ये मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इसे ऑफलाइन लेके आई हूँ शॉप से परचेज़ करके। और मुझे शॉप वाले ने ये 35 समथिंग या 40 अराउंड कुछ दिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़, इसके आपके इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। ठीक है आपको, और इसमें ये वाला जो है ये साइंस वालों के लिए भी यूज़फुल होगा, मतलब साइंस वालों के लिए भी ऐसे ही पैम्पलेट टाइप में आ रहे हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर टाइप के लीजिए इन्हें। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये, लेकिन ये इतना, मतलब न्यूज़पेपर टाइप है ना, मैं दिखा नहीं पा रही। जैसे कि आप देखो, ये मेरे पास विश्व इतिहास का था। ठीक है, तो मैं जस्ट एक, मुझे लगा कि काफ़ी बच्चों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है, तो इसलिए मैं इसे परचेस कर लाई थी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें, मैंने इसे पढ़ा है तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर कर रखी हैं जो कि DSSB की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको ये मिल जाता है क्विक रिवीजन, ये नहीं कि आप इसे पढ़ने बैठ जाओ फिर, और देखिए प्लीज़ प्रैक्टिस पर ज़रूर फोकस करें और एक क्विक रिवीजन ज़रूर करें एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, और मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम इतना जल्दी पास में आ चुका है तो मैंने सोचा कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ पॉसिबल, और अगर कोई सी भी चीज़ से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो TGT फीमेल वालों का जो एग्ज़ाम है वो अभी नहीं, उसकी डेट अनाउंस हुई है, मेरे पास डेली बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, जब भी वो डेट अनाउंस होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि आपकी डेट अनाउंस नहीं हुई है तो आप फ्री आराम से बैठे हो। ठीक है, आपको ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये डेट अनाउंस होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हाँ, TGT फीमेल वाले फॉर्म 90,000 समथिंग है। ठीक है, और मेल वाले 60,000 थे, वो से 6,000 अप्रॉक्सीमेट थे, तो इसलिए मेल वालों का जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, फीमेल वालों के में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इनका एग्ज़ाम पहले हो रहा है तो इनका कंपटीशन भी अच्छा का वो इनका कंपटीशन भी कम है। आपका एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो आपका कंपटीशन भी अच्छा खासा है। तो कोशिश ये कीजिए कि जो आप अपने एक एम जो आपने अचीव करने का सोचा है उसे अचीव करिएगा। ठीक है, बहाने वगैरह ना करें। और ये गर्ल्स के लिए भी उतना ही यूज़फुल है जितना कि मैं बॉयज़ के लिए, लेकिन बॉयज़ के लिए मैं इसलिए ही आई कि क्या कहते हैं, उनके लिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे क्योंकि थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। और अगर कोई वीडियो में कोई भी किसी भी टाइप का आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।